गुड मॉर्निंग क्लास 7. टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3. वेरी इजी एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म. आपको ये नंबर्स गिवन हैं, आपको इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में राइट करना है. तो ये आपने जूनियर क्लासेस में भी किया हुआ है कि किस तरीके से हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में राइट करेंगे. लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है. एक्सपैंडेड फॉर्म में राइट करना है तो हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी 10 की पावर में जो है इनको राइट करना होगा. तो देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबसे जो स्टार्टिंग नंबर है दैट इज़ 2. तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई और 2 के बाद जितने डिजिट्स हैं उसको हम 10 की पावर में राइट करेंगे. देखिए कितने डिजिट्स हैं 2 के बाद, 1, 2, 3, 4, 5. इसका मतलब हम लिखेंगे 10 की पावर 5 प्लस. नेक्स्ट नंबर इज 7, 7 मल्टीप्लाई. अब 7 के बाद जितने डिजिट्स हैं आप उनको काउंट करके उसकी 10 की पावर राइट करेंगे. तो 7 के बाद है 1, 2, 3, 4. 4 डिजिट्स हैं तो 7 के बाद आपने 10 पावर 4 राइट करेंगे प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, 2, 3. 3 डिजिट्स हैं अब 9 के बाद सिर्फ रह गए प्लस 9 के बाद है नेक्स्ट डिजिट 4. 4 मल्टीप्लाई 10 के अब 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं तो 10 पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1. यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 10 पावर 1 प्लस. अब इसको इस पॉइंट को आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते थे क्योंकि लेकिन उससे जो 10 की पावर है वो नेक्स्ट नंबर की ही नेक्स्ट नंबर में हमें राइट करनी होती है. यहाँ पर हम इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते थे क्योंकि 0 है. उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस 4 है तो 4 के बाद अब कोई भी डिजिट नहीं है तो इसका मतलब 4 10 पावर 0. जब कोई भी डिजिट नहीं है तो अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम 10 की पावर 0 भी लगा सकते हैं या फिर ओनली 4 हम राइट करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि 10 रेज टू द पावर का मतलब होता है 1. तो हम यहाँ पर वो राइट करें या ना करें उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर यही होता है. तो नेक्स्ट पार्ट देखिए और जैसे आपको क्लियर हो जाएगा. 3006194. अब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है आपकी 3 तो 3 मल्टीप्लाई अब 3 के बाद जितने डिजिट्स हैं उनको 10 की पावर में राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 10 रेज टू द पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5. 5 डिजिट्स हैं तो 10 रेज टू द पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4 डिजिट्स रह गए 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 डिजिट्स रहते हैं तो 10 रेज टू पावर 3 प्लस 6 के बाद 1 है, 1 के बाद 9, 9 के बाद 4. तो इस तरीके से हम इन डिजिट्स को लिखते जाएंगे और उनकी 10 की पावर एक एक रिड्यूस करते जाएंगे. 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 0. थर्ड पार्ट 2806196. 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर कितने डिजिट्स हैं 2 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 10 रेज टू द पावर 6. उसके बाद यहाँ पर 8 है तो हम 8 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 डिजिट्स तो 5 10 रेज टू पावर 5 है. 8 के बाद है 0 और 0 के बाद है 4 डिजिट्स तो 10 पावर 4 प्लस 6 है. 6 के बाद 3 डिजिट्स लेफ्ट है तो 10 पावर 3 प्लस 6 के बाद है 1 तो 1 10 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 प्लस 1 के बाद 9 है, 9 के बाद 6 है तो 9 के बाद एक ही डिजिट है तो 10 पावर 1 प्लस 6 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 0. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 120719. अब यहाँ से फिर से 1 मल्टीप्लाई 10 पावर कितने डिजिट्स हैं 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 7 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 0. तो इसी
तरीके से आपने सिर्फ एक बार आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि कितने टोटल डिजिट्स हैं और वन के बाद कितने डिजिट्स हैं उसे 10 की पावर में, और उसके बाद तो 10 की पावर ऑलमोस्ट रिड्यूस ही होती, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाती है। सिर्फ आपको डिजिट्स देखने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर मल्टीपल में क्या राइट करना है, 2, 0, 7, 1 एंड 9। उसके बाद लास्ट पार्ट है आपका 2006 है, तो सबसे पहले आपको डिजिट्स देखनी है 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं 4, तो 2 raised multiply 10 raised to the power 4 प्लस 0 है, 0 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 पावर आ गई, फिर नेक्स्ट 0 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 पावर आ जाएगी 10 की, उसके बाद 6 है, 6 के बाद एक ही डिजिट है तो 1 पावर प्लस 8 multiply 10 raised to the power 0, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 10 raised to the power 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपांडेड फॉर्म। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल रिवर्स पार्ट करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि हमने इसको एक्सपैंड किया था, अब हम क्या करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म तो पहले ही है, हम इसका नंबर राइट करेंगे। नंबर राइट करने के लिए हमें सबसे पहले बड़े ध्यान से देखना है कि आप पावर्स जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं सारी, 4, 3, 10 की पावर देखिए सारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर एक भी पावर मिस होती है तो उसकी जगह हमें 0 लगाना होगा। देखिए 10 raised to the power 4 है, फिर 3 है, 10 raised to the power 2 है, 10 raised to the power 1 है, 10 raised to the power 0। इसका मतलब ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 8, 6, 0, 4, 5। तो इसमें कोई भी नंबर हमें अपने आप से इंक्लूड नहीं करना, द नंबर इज 8, 6, 0, 4, 5। नेक्स्ट देखिए 10 raised to the power 5 है, इसके बाद 3 आ रहा है, यानी बीच में 10 raised to the power 4 जो है वो मिस है, तो इसके लिए हम 4 के बाद क्या लगा देंगे कि वो नंबर 0 होगा जिसे स्किप किया गया है। उसके बाद 3 के बाद पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये नंबर हम लिख सकते हैं 0, 5 एंड 3। 3 के अब 10 raised to the power 2 है तो 10 raised to the power 1 होना चाहिए अब, लेकिन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब उस बीच वाले नंबर को भी स्किप किया गया है और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। और 2 multiply 10 raised to the power 0 है तो दैट मीन दिस इज़ द लास्ट डिजिट। तो जो भी नंबर इसमें, जो भी पावर इसमें स्किप की गई है, जो नंबर इसमें नहीं है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो बीच में नंबर नहीं है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। नाउ 3 multiply 10 raised to the power 4, तो फर्स्ट डिजिट इज 3, 4 के बाद 10 की पावर 3 आनी चाहिए थी, बट क्या आ रही है, 10 raised to the power 2 आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, 0। अब 10 raised to the power 2 इसके साथ तो 7, ठीक है, अब 7 10 raised to the power 2 के बाद क्या आना चाहिए, 10 raised to the power 1 आना चाहिए था, तो वो नहीं है यहाँ पर, तो उसके लिए हम 0 लगाएंगे, फिर 10 raised to the power 0 इज़ ओके, देन दिस इज़ द लास्ट डिजिट। उसके बाद 9 into 10 raised to the power 5, तो 9 तो फर्स्ट डिजिट ही है, उसके बाद 10 raised to the power 5 के बाद 10 raised to the power 4 आना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो 0। फिर 3 भी आना चाहिए था, नहीं है, तो 0। अब 10 raised to the power क्या है, 2 ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद 2 के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो सही है ये नंबर, इसका मतलब हम 3 लिखेंगे, लेकिन 10 raised to the power 1 के बाद 1 के बाद 0 आना चाहिए, 1 के बाद 0 आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, 0। तो ये नंबर जो है आपका, ये एक्सपैंडेड फर्स्ट क्वेश्चन में आपने एक्सपैंड किया था, और सेकंड क्वेश्चन में अब आप क्या कर रहे हैं, एक्सपैंडेड ऑलरेडी है लेकिन आप उसको नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर 10 की पावर को लगातार देखना है कि हाईएस्ट पावर के बाद, स्टार्टिंग पावर के बाद पावर्स जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, लेकिन अगर एक भी पावर 10 की पावर मिस हो जाती है तो उस नंबर की जगह आप लिखेंगे 0। नाउ एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो ये इतना बड़ा नंबर है, इन नंबर्स को रीड करना इतना कन्वीनियंट नहीं रहता जितना कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वीनियंट वे में रीड कर सकते हैं। तो जब इतने लार्ज नंबर्स को हमें रीड करना होता है तो उसके लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज कर देते हैं तो हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं। अब इतने लार्ज नंबर को हमें रीड करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, तो इसको कन्वीनियंसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। 5 के बाद आप देखिए, आपने फर्स्ट नंबर देखना है, फर्स्ट नंबर क्या है आपका, 5, तो हमने 5 लिखना है। अब आप इस पूरे नंबर के अंदर आपको कहीं पर भी डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा, तो जब किसी भी पूरे नंबर के अंदर कभी भी डेसिमल नहीं होता
तो इसका मतलब होता है कि वो डेसिमल सबसे लास्ट में है, यानी ये जितने भी नंबर हैं इन सबको हम देखिए, यहाँ पर भी कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इस नंबर में डेसिमल है, तो ये हम इसमें भी डेसिमल है, लेकिन इन चारों नंबर में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, लास्ट में है। तो जब भी डेसिमल ना हो तो हम कंसीडर करेंगे कि वो लास्ट में है। अब इस डेसिमल प्लेस को हमें बिल्कुल स्टार्टिंग वाले डिजिट के से बाद में लेकर जाना है, यानी सिर्फ आपको फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट करना है और उसके बाद डेसिमल आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद आपके जितने भी डिजिट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये डेसिमल प्लेस, यहाँ से ये डेसिमल उठकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन डिजिट्स मूव करके 5 यहाँ पर आ चुका है 5 के बाद, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा, हम 5.00 तो हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, इसका मतलब यही होता है। तो 5 × 10⁻⁴, जितने डिजिट्स ये डेसिमल मूव करके यहाँ पर जाएगा उतनी आपकी 10⁻ यहाँ पर हमें राइट करनी है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 डिजिट्स को मूव करके ये यहाँ इस पॉइंट पर डेसिमल आया है, तो 10⁻⁷। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसको हम कितना इजीली रीड कर सकते हैं, 5 × 10⁻⁷। ये अंडरस्टूड है कि 5 के साथ 7 जीरोस होंगी। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये है 7, तो हम लिख लेते हैं 7। अब यहाँ पर भी कोई डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब डेसिमल लास्ट में है। अब ये डेसिमल प्लेस को हमें मूव करके 7 के बाद लेकर जाना है, तो हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने डिजिट्स काउंट कर लिए, 6 डिजिट्स हैं, यानी 7 × 10⁶। अगर यहाँ पर कोई नॉन ज़ीरो नंबर होता तो वो हम 7 के साथ हमें उसको राइट करना पड़ता, यहाँ पे सारी ज़ीरोज़ हैं इसलिए हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, लास्ट में है। अब ये डेसिमल मूव करके हमें यहाँ पर 3 के बाद लेकर जाना होगा, तो यहाँ पर कितने डेसिमल पॉइंट्स ये मूव कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स, 9 डिजिट्स मूव करके ये 3 के बाद पहुँचा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो नॉन ज़ीरो नंबर्स को तो मैंने पहले बोला नॉन ज़ीरो नंबर्स को तो हमें राइट करना है, 1, 8, 6, 5 मल्टीप्लाई कितने डिजिट्स वो डेसिमल मूव किया था, 9, तो 10⁻⁹। तो ज़ीरो की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं होती। उसके बाद 3, 9, 0, 8, 7, 8 अब यहाँ पर अगर बीच में अगर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू है, लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है। यहाँ पे इस नंबर में आप देखो, यहाँ पर अगर कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब लास्ट में है, लास्ट में है, तो ये डेसिमल मूव करके हमें 3 के बाद लेकर आना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो कितने डिजिट्स मूव कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट्स मूव करके ये 3 के बाद आया है, तो 3.90878 पूरा कंप्लीट नंबर हम लिखेंगे और 10⁵ राइट कर देंगे। तो जितने डिजिट्स ये डेसिमल मूव करेगा उतनी हमारे 10⁻ आ जाएगी और बाकी नंबर यहाँ पर राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो डेसिमल पहले से ही है, तो अब यहाँ पर हमें डेसिमल को मूव करके 3 के बाद लेकर जाना है, तो 3 पॉइंट बाकी सारा नंबर हम राइट कर देंगे, 9, 0, 8, 7, 8 लेकिन ये डेसिमल कितने डिजिट्स को मूव करके 3 के बाद गया, 1, 2, 3, 4 4.4 डिजिट्स को मूव करके बोला, तो 10⁴ आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अब ये डेसिमल है, ये डेसिमल कितने डिजिट्स को मूव करके जाना चाहिए 3 के बाद, 3 डिजिट्स को, तो 3 पॉइंट बाकी सारा नंबर एज इट इज 90878 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब क्या लिखेंगे, 3 डिजिट्स को मूव करके गया है, तो 10⁻³। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको अब ये पूरे जितनी ये अब आपको क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है, तो स्टेटमेंट एज इट इज़ हम सेम राइट कर देंगे, लेकिन जो इतना बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर को रीड करना इतना कन्वीनियंट नहीं होता जितना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रीड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ हम सेम टू सेम ऐसे का ऐसा ही राइट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़, अब इतना लार्ज नंबर है कैसे रीड करना चाहिए,
तो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे. तो स्टेटमेंट आपको पूरी राइट करनी है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384000 मीटर. इतना बड़ा नंबर है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे. जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे राइट करते हैं. डेसिमल अगर नहीं है तो इसका मतलब लास्ट में है, तो ये डेसिमल लास्ट में था और मूव करके 3 के बाद लेकर जाना है, तो कितने पॉइंट्स ये मूव करेगा. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स मूव करके गया है, तो 10 की पावर 6 साथ में क्या लिख देंगे, मीटर. अब इसको रीड करना कितना कन्वीनियंट है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.84 × 10⁻⁶ मीटर्स. वेरी सिंपल. नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज. अब देखो हमें इसको इतना लार्ज नंबर को रीड करना पड़ेगा, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁶. देखो अब यहाँ पर भी कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल लास्ट में था. अब लास्ट वाला डेसिमल को मूव करवाकर हमें 3 के बाद लेकर आना है, और डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमें उसको आंसर में राइट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन 10 की पावर हम देखेंगे कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लेसेस मूव करके ये डेसिमल 3 के बाद गया है, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज, डायामीटर ऑफ द अर्थ इज, अब देखिए यहाँ पर भी कोई डेसिमल नहीं है, तो 1 के बाद लेकर आना है हमें, बाकी नंबर हम एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ जीरोस नहीं लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट्स मूव करके डेसिमल गया है, तो 10⁷ मीटर. नेक्स्ट, द डायामीटर ऑफ द सन इज, डायामीटर ऑफ द सन इज 1.4 × 10⁻⁶ 7 8 9, 9 डिजिट्स मूव करके वो डेसिमल 1 के बाद गया है, 10⁻⁹ मीटर. नेक्स्ट, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज दैट मच स्टार्स, इतने स्टार्स हैं. इट्स वेरी अनकन्वीनियंट टू रीड हाउ मच स्टार्स, तो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन अ गैलेक्सी, स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, देयर आर ऑन एन एवरेज, देखिए 1 है तो 1 पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल तो है ही नहीं, तो डेसिमल तो लास्ट में है, तो वो लास्ट वाला जो डेसिमल है हमें उसको मूव करवाकर 1 के बाद लेकर जाना है. तो लेकिन देखिए कितने पॉइंट्स मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स ये मूव करके आगे जा रहा है, तो 10⁻⁷ स्टार्स. नेक्स्ट, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट दैट मच ईयर्स ओल्ड, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1.2. अब यहाँ पर भी कोई डेसिमल नहीं है, फिर से डेसिमल को लास्ट से 1 के बाद लेकर जाना है, तो देखिए कितने प्लेसेस मूव हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस, तो 10⁻⁷ ईयर्स ओल्ड. नेक्स्ट, जी पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी, अब 3 इतना लार्ज नंबर है, इतने मीटर है, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, 3 × इसमें कोई डेसिमल आपको शो नहीं हो रहा, इसका मतलब डेसिमल लास्ट पॉइंट में है, तो लास्ट से उसको मूव करवाकर हमें 3 पॉइंट पर 3 के बाद लेकर जाना है. देखिए कितने पॉइंट मूव करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पॉइंट्स, दैट मीन्स 3 × 10⁻⁶ मीटर. नेक्स्ट, 60 2 3 0 0000 कितना लार्ज नंबर है, इतने मॉलिक्यूल्स
आर कंटेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम। तो अब इसको पूरे को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा, डेसिमल को हमें लास्ट में से मूव करवा कर सिक्स के बाद लेकर जाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22.6.023 प्लेसेस हमें मूव कर कर इसको लेकर जाना है सिक्स के बाद। मॉलिक्यूल्स आर कंटेंट इन अ ड्रॉप स्टेटमेंट एज इट इज ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम। आई पार्ट, द अर्थ हैज डैश मच क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। बिल्कुल सिंपल, इसको भी हम ऐसे ही स्टेटमेंट सेम राइट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। डेसिमल फिर से नहीं शो हो रहा, डेसिमल लास्ट में है, मूव करवा कर इसको वन के बाद लेकर जाना होगा। तो 1.353 × 10⁻¹⁹ प्लेसेस मूव कर कर ये गया है, तो 10⁻⁹ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी। नाउ द लास्ट पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट दैट मच इन मार्च 2001। यहाँ पर अब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट हाउ मच, आप यहाँ पर भी कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, तो डेसिमल लास्ट में है, डेसिमल मूव करवा कर वन के बाद लेकर जाना है। तो 1.027 × 10⁻¹⁹, देखिए कितने प्लेसेस मूव करके गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10⁻⁹ इन मार्च 2001।